भोजपुरी इंडस्ट्री के डैशिंग सुपरस्टार निरहुआ अक्सर अपने बयानों की वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। उनके चाहने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि लोग उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं। उन्हें अपने अभिनय और अद्भुत स्टाइल की वजह से बिहार एवं अन्य राज्यों में भी लोकप्रियता मिली है। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके लिए यह मुकाम हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। करियर के शुरुआती दौर से ही अभिनेता ने काफी मेहनत की और एक समय इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि उनके पास दो वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निरहुआ, जो कि इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। चलिए आज हम आपको निरहुआ के उन्हीं दिनों से जुड़े कुछ किस्से सुनाते हैं, साथ ही आपको उनकी शान और शौकत के बारे में भी बताएंगे। 2 फरवरी 1979 में बहुत ही छोटे से गांव में निरहुआ का जन्म हुआ था। उनका पूरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीत गया। उनके पिता उस समय में मजदूरी किया करते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत कर अपने परिवार के 7 लोगों के साथ जिंदगी का गुजारा किया, लेकिन निरहुआ ने मेहनत कर अपने और अपने परिवार की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अगर हम उनकी शिक्षा को लेकर बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की पढ़ाई कोलकाता में की थी। उनकी पढ़ाई के खातिर उनके पिता कोलकाता आ गए थे। उस वक्त वह एक झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन एक्टर ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को निखारा और देखते ही देखते निरहुआ एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। अब आपको बताते हैं कि ये अभिनेता कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। अगर हम बात करें उनकी टोटल नेटवर्थ की तो उनके पास टोटल 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। किसी भी फिल्म में काम करने के लिए वह आज लाखों चार्ज करते हैं। फिलहाल निरहुआ मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। इसके साथ उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रख लिया है। इसके अलावा उनके पास गाँव में भी बहुत जमीन है और उन्हें महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। पर्दे पर आप सभी ने निरहुआ को भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ जरूर देखा होगा। इनके लव एंगल्स फैंस को काफी एंटरटेन करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर भी। अगर हम उनकी निजी जिंदगी को लेकर कुछ बात करें तो वह अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रहते थे, लेकिन आपको बता दें कि उनके अफेयर की खबर से पहले वह शादीशुदा थे। जी हाँ, उनकी शादी साल 2002 में ही करा दी गई थी और इस बात की जानकारी उनकी माँ ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hindi.thevocalnews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।